दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो काफ़ी जगह पर आई स्टार्टेड माय कैरियर विद द ट्रिब्यून इन चंडीगढ़। तो ट्रिब्यून में मैंने अपना कैरियर शुरू किया था और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म है। और इसके ऊपर मुझे सरकार ने नेशनल अवार्ड भी दिया फॉर माई वर्क इन द टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म स्फीयर। तो अब मैं पिछले कई जगह पर मैंने काम किया है एंड आई वॉज राइटिंग ए टेक्नोलॉजी कॉलम, एडिट पेज कॉलम फॉर द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑल्सो, जो इंडियन एक्सप्रेस का बिजनेस न्यूज़पेपर है। और साथ में मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया है थ्रू यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर मैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट था। तो ये सारा जो मेरा काम है पिछले 3 डिकेड्स के करीब का, ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में ही रहा है, क्योंकि सॉरी, पहले मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और साथ में मैं चिप प्रोग्रामिंग भी करता था। चिप प्रोग्रामिंग, जैसे ईवीएम में कहते हैं ना कि चिप लगा हुआ है, तो वो प्रोग्रामिंग भी मैं करता था। अब पिछले 12 या 13 साल से मैं अपनी ग्लोबल न्यूज़ साइट चला रहा हूँ, और 2019 के अराउंड मैंने ईवीएम के ऊपर बहुत लिखना शुरू किया था कि कैसे ये ईवीएम्स हैक हो सकती हैं, डेटा बाहर से, इंडिया से और बाहर से, मीन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, वहाँ से डेटा ला कर ये लोगों को बताने की कोशिश की कि ईवीएम्स आर प्रोन टू हैकिंग, यानी कि इसमें हैकिंग भी हो सकती है। पहले के जो मशीन्स थी, स्टैंड लोन थी, उसमें हैकिंग भी हो सकती थी, और अब ये जो वीवीपैट वाली है, इसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है। तो अब मैं पिछले कुछ महीने से अग्रेसिवली ईवीएम्स के बारे में लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माई आर्टिकल्स। और उसके लिए मैंने करीब 2 या 3 महीने पहले आई क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट ऑल्सो टू एक्सप्लेन ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू ईवीएम्स। तो उसका मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, तो आप उसको लिंक को देख सकते हैं नीचे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थ्रू माई ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, पिछले 2-3 महीने से जो मैं देख रहा हूँ, आई डो नॉट हैव एनी हेजिटेशन टू से दैट दिस ईवीएम प्रोटेस्ट, जो छोटे मोटे हो रहे थे, प्रोटेस्ट कोई ज़्यादा नहीं हो रहा था, वो फेल हो चुके हैं। वो उनका कोई अब मतलब नहीं रह गया। एंड ये जो इलेक्शन होगा, कम से कम ये 2024 वाला लोकसभा इलेक्शन, ये ईवीएम से ही होगा, और ये मोदी सरकार दोबारा जीत कर आएगी। उन्होंने कह भी दिया कि 400 से पार हम सीटें लेकर आएंगे, एंड दे कैन इजिली गेट दिस 400 सीट्स। उसका कारण ये है कि ये जो ईवीएम के छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो दे वर नॉट ऑर्गेनाइज। एक इनके लीडर ने, जो ईवीएम के कैंपेन्स को लीड कर रहे हैं, उसने मेरे को करीब 2 महीने पहले बताया था कि मैं, जैसे किसानों का एक परपिचुअल आंदोलन हो रहा है, यानी कि एक परमानेंट, जैसे किसानों का 2021 में हुआ था या अभी वो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हो रहा है, तो उस तरह से मैं एक परमानेंट यहाँ पर वो कैंपेन करूँगा कि परमानेंट वो आंदोलन होगा अगेंस्ट ईवीएम्स। तो वो तो कोई हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और जो ईवीएम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, वो 10-12 लोग ही होते हैं, हमेशा 10-12 से ज़्यादा कोई नहीं है। बाकी तो हायरलिंग्स जो हैं, वो कितने भी आप 50-60 और इकट्ठे कर लीजिए, तो ऐसे दिखाने के लिए कि ये, और पुलिस उनको एक कदम भी नहीं बढ़ने देती आगे। तो मीन्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इज दिस? कोई प्रोटेस्ट है ही नहीं है। ये तो ऐसे ही, जो ये हिंदी के कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, वो ऐसे 10-10 15-15 मिनट के क्लिप उनको रिपीट करते रहते, 3-3 महीने पुराने भी क्लिप्स वो आज की डेट में रिपीट कर रहे हैं कोई, क्योंकि नई कोई एक्टिविटी ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला था, जिस लीडर ने मेरे को कहा था कि हम ये परमानेंट प्रोटेस्ट करेंगे, उसको मैंने ये शेयर भी किया था, अपनी जो वेबसाइट मैंने ईवीएम्स के ऊपर बनाई है उसका लिंक भी शेयर किया था, बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड, ही वॉज नॉट एबल टू राइट इवन ए सिंगल सेंटेंस। तो वो कैसे आप ये पूरा कैंपेन करेंगे? ये तो बहुत बड़ा कैंपेन है, ये तो आज़ादी की लड़ाई के बराबर का कैंपेन होना चाहिए, तब थोड़ा सा हो सकता है।
आप ऐसे 10-15 मिनट वहाँ आकर प्रोटेस्ट करके पुलिस वाले कहते हैं चलो 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 144 यहाँ पर वो धारा लगी हुई है, चलो उनको भगा देते हैं या बसों में डाल कर कहीं और छोड़ देते हैं, प्रोटेस्ट ख़त्म है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रही, किसी भी ईवीएम के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है छोटा मोटा जो हो रहा है उसके इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और कांग्रेस का तो बहुत ही बुरा हाल है, आप कांग्रेस से पीछा छुड़ा लीजिए, वो पहले एक बार वो अमेरिका में बैठकर शिकागो में या कहीं पर बैठता वो बहुत भाषण देता था ईवीएम के खिलाफ, वो गायब ही हो गया बिल्कुल, वो पता ही नहीं उसका कहाँ है। मीन्स दिस इज देयर करेक्टर, दे कांट परसिस्ट विद देयर डिमांड्स। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का बहुत ही बुरा हाल है। और रिसेंटली मैंने देखा है 1 हफ्ता 10 दिन पहले के कांग्रेस के कुछ दिल्ली वाले ऐसे 2-3 लोग आते हैं और उनकी डिसऑनेस्टी देखिए कि वो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट के ऊपर आकर जंतर मंतर या कहीं होता है वहाँ पर आकर वो ईवीएम के अगेंस्ट नहीं बोलते, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं कि मोदी सरकार जो जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही है तो लोगों को उनका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए टू प्रोटेस्ट, वो इसके लिए बोलते हैं, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट ईवीएम्स। और आप ये भी देखिए कि पीछे जो बैनर लगा होता है जब ये कांग्रेस वाले आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है मेरी पर्ची मेरे हाथ। मेरी पर्ची का क्या मतलब है? पर्ची का मतलब है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो उनके हाथ में, जब तो इसका क्या मतलब हुआ, तो वीवीपैट रहेगा, वीवीपैट रहेगा तो ईवीएम भी रहेगी, तो दे आर नॉट अगेंस्ट ईवीएम्स जो कांग्रेस वाले हैं, बहुत डिसऑनेस्ट हैं ये लोग, इनके साथ बिल्कुल भी ना हाथ मिलाइए। और ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि ईवीएम हटनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि पर्ची दे दीजिए, जब तक ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहेगी इस इलेक्शन प्रोसेस में तब तक उसमें हेरा फेरी का चांस है। तो यू शुड ओनली डिमांड इलेक्शन ऑन बैलेट पेपर्स, वो अब तो नहीं हो सकता, अब 2029 के लिए मैं कह रहा हूँ ये, अब तो ये ऐसे ही होगा। आप ये देखिए सारा तामझाम शुरू हो गया, वो अपनी सीटें वो अनाउंस करनी उन्होंने शुरू कर दी हैं और 400 पार का कहना शुरू कर दिया है, स्ट्रेटजी मीटिंग्स होनी, वो सारा जो है दैट इज़ ए कैमोफ्लॉज, वो ऊपर से दिखाने के लिए है कि ये हम सब कुछ कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बहुत और अच्छे कैंडिडेट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि जीतना ईवीएम से ही है, किसी को भी खड़ा कर दें वहाँ पर, किसी को भी खड़ा कर दें उसने जीतना ही जीतना है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू द बीजेपी पार्टी इज गोइंग टू विन। वो थोड़ी बहुत 50-100 या ऐसे 150 से या कुछ सीटें जो हैं वो अपोजिशन पार्टीज को दे देंगे, 30-40 कांग्रेस को दे देंगे, 20-30 इसको, मीन्स दे कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दिस फोर्थ कमिंग इलेक्शन। तो उनको क्यों देते हैं वो सीट्स, जैसे आपने बांग्लादेश में देखा होगा उन्होंने अपने ही कैंडिडेट एज अपोजिशन खड़े कर दिए थे, बिकॉज इन द वर्ल्ड दे वांट टू शो दैट देयर इज एन अपोजिशन इन द कंट्री एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो लोगों को बाहर वालों को दिखाने के लिए कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, थोड़े बहुत ये 100, 150, 120 जो अपोजिशन पार्टीज वाले हैं 30-40 कांग्रेस वालों को जिता देंगे उसमें, ठीक है। तो वो ये भी दिखाने के लिए कि देखिए ईवीएम पर इलेक्शन हुआ है तब भी ये कांग्रेस वाले या और जो पार्टी अपोजिशन पार्टीज वाले हैं वो जीत गए, ऐसे 4-4, 5-5, 10-10 सीट्स ऐसे करके वो जिता देंगे उनको, बिकॉज दे कैन मैनेज ईच एंड एवरी मशीन इन दिस इलेक्शन। और सारा मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी साइट के ऊपर, आई हैव गिवन द वर्जन ऑफ ECI ऑल्सो, जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका भी वर्जन दिया, वो क्या कहते हैं, FAQs क्या है, वो सारा उसके ऊपर मैंने, आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन, मेरे को और भी बहुत काम होता है, आई वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे, तो जितना भी मेरे को टाइम मिलता है आई कीप अपडेटिंग दैट माइक्रोसाइट, जो वेबसाइट इसके लिए बनाई हुई है मैंने ईवीएम के ऊपर। तो अब मैं इसके बाद आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले जो लीडर मेरे को बोल रहा था कि किसानों की तरह एक बहुत बड़ा परमानेंट या अन्ना हजारे की तरह वो परमानेंट आंदोलन करेंगे, वो कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है, वो गायब भी हो गया पता नहीं कहाँ। तो अब ये जो है इसको मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट द सब्सिक्वेंट इलेक्शंस ऑन बैलेट पेपर्स, जो 2024 लोकसभा के बाद वाली स्टेट इलेक्शंस होंगी या अगले 2029 वाली होंगी, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप बनाइए,
जिसमें एक स्टेयरिंग कमेटी हो, उसमें 6-8 नाम हो, देयर नेम शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, उसका सारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक पूरे एक ऑर्गेनाइज ग्रुप की तरह इसको चलाइए, और उनकी अवेलेबिलिटी हो, किसने कैसे उनको कांटेक्ट करना है, उसके ऊपर एक ऑनलाइन फॉर्म बनाइए इन डिफरेंट लैंग्वेजेस के, जिसमें जिसने उसमें पार्टिसिपेट करना है इन दिस ईवीएम कैंपेन्स, दे शुड बी एबल टू फिल इन देयर डिटेल्स इन दैट। तो आपके पास एक रिकॉर्ड उनका होगा। इसको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाइए, जैसे किसानों को भी मैं कहता रहा हूँ पहले जब हुआ था, अब भी कह रहा हूँ। अब मैंने किसानों के लिए भी एक वेबसाइट बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट। उसके ऊपर हर एक इशू मैंने WTO, MSP, ये तीन कानून वो जो हैं वो सारा डिस्कस किया है। वो तो अब मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, जैसे किसान नहीं थे, तो उस तो तब आपका इसीलिए ये जो EVM के अगेंस्ट कैंपेन आप कर रहे थे, दैट हैज़ फेल्ड। आप इसको जितना मर्जी कहते जाइए, मीन्स आई एम ए गुड ऑब्जर्वर, तो मैं इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करता हूँ, मेरा नीचे इसके रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि क्या क्या मैं करता हूँ। तो पहले आप देखिए कि ये जो NTCAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो फेल हो गया, बिल्कुल आंदोलन वो फेल हो गया। उसके बाद और भी होंगे बीच में, मेरे को याद नहीं, लड़कियों का हुआ ये रेसलर्स का, वो बिल्कुल फेल हो गया। उसके बाद किसानों का 2021 में वो फेल हो गया, चाहे वो कहते रहे कि तीन कानून वापस हो गए, अभी तक उसकी कोई भी वो नोटिफिकेशन नहीं है। आई हैव लर्न दैट दोज थ्री लॉज, जिसको ब्लैक लॉज कहते थे, दोज हैव ओनली बीन सस्पेंडेड, दे हैव नॉट बीन रिपील्ड, उनको कैंसिल नहीं किया गया, और जो दोबारा किसी भी फॉर्म में कभी भी आ सकते हैं। और अगर ये दोबारा, अगर क्या, ये जब दोबारा आएगी ये मोदी गवर्नमेंट इन 2024 मई जून में, तो उस वक्त वो जो मर्जी किसानों के अगेंस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि किसान आपके साथ हैं, आई एम हेयरिंग फ्रॉम सम पीपल ओवर हियर के किसान भी उनके साथ हैं, दलित, ये वो, कितनी कैटेगरीज पता नहीं बनाई हुई हैं, ये तो एक ही है, हम इंडियंस हैं, इंडियंस दे वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, EVM को अपोज कर रहे हैं, क्यों आप इतने ग्रुप बनाते जा रहे हैं बीच में। तो मैंने किसानों का भी देखा, दे नेवर डिस्कस एनीथिंग अबाउट EVMs इन देयर स्पीचेस, EVM के बारे में वो कभी नहीं बोलते, एक आध छोटा मोटा कोई वो एक सेंटेंस बोल देता, बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज। तो इसलिए जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर आप मेरे को कल कहें कि स्पेस साइंस के ऊपर मैं बोलना शुरू करूँ, आई विल नॉट बी अटर इवन ए सिंगल वर्ड, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्पेस साइंस। तो इसलिए आप इसको रियलिटी को फेस कीजिए, नोबडी इज़ विद यू। तो अगर ये 4-5 लोग जो हर रोज जैसे उसके ऊपर आकर, ये जो हिंदी के कुछ YouTube वीडियोस हैं, दे डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी, उसके सामने आकर कुछ बोल देते हैं, ऐसे 2-4 हज़ार उसके वो व्यूज़ होते हैं, और उसको रिपीट करते रहते हैं हफ्तों पर वो रिपीट होते रहते हैं, उसको नया दिखाकर, मीन दिस इज डिसऑनेस्टी। तो वो उसको ऐसे शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस कैंपेन इज़ रनिंग, अदरवाइज दिस कैंपेन इज़ टोटली डेड, ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप मानिए, और इसके अलावा जो आपके साथ अगर कोई ग्रुप और मिलना चाहता है, जैसे आप कह रहे हो कि फार्मर्स, उनको फार्मर्स का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है, आप देखिए वो हरियाणा पंजाब के ऊपर, दे आर सो टेरिफाइड, मतलब इतने डरे हुए हैं ये जो किसान हैं कि आगे वो बैरिकेड लगा दिए हैं या टीयर गैस शेल चल रहे हैं, तो इतना वो डरे हुए हैं कि उनका मैं बता नहीं सकता। उसका भी मैंने एक दो वीडियोज़ बनाए हैं, दो आई एम नॉट ए वीडियो क्रिएटर, मैं तो लिखने वाला जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे को ये इसलिए बनाने पड़ रहे हैं वीडियोस कि लोग जो इसको EVM से किसी तरह से अफेक्टेड हैं, दे अंडरस्टैंड ओनली दिस हिंदी लैंग्वेज, मेरा काम ज़्यादा इंग्लिश में है, तो वो और पढ़ने की आदत नहीं हिंदुस्तान में किसी को, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ यहाँ तक ये वीडियोस बना रहा हूँ। आजकल किसानों के लिए पंजाबी में बनाता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड पंजाबी, मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करता हूँ, आई स्टडीड इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैं ये जो किसानों के लिए पंजाबी में बना रहा हूँ, सो दैट दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम, और उसकी वेबसाइट भी बनाई है, और ये EVMs वाला हिंदी में बना रहा हूँ। अब एक और आस्पेक्ट है इसका, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
उससे सुप्रीम, मैं ये जो लॉ एंड जस्टिस है इसके ऊपर काफ़ी लिखता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में कई पटिशन्स डालता हूँ ईमेल से, एंड दे एक्सेप्ट माय पटिशन्स थ्रू ईमेल, और उसके ऊपर एक्शन भी होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर आकर ये आप ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छे डिसीजन हो रहे हैं, जैसे वो चंडीगढ़ वाला मेयर का इलेक्शन हुआ उसमें बहुत अच्छा डिसीजन हो रहा है, या वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का हो रहा है, या आज कुछ उन्होंने कहा कि एमएलएस को ब्राइबरी के दे कैन बी कन्विक्टेड फॉर ब्राइबरी, तो ये वाले जो केसेस हैं आप ये ध्यान से सोच कर देखिए। अगेन आई आस्क यू टू फेस द रियलिटी, ये जो है छुटपुट केसेस हैं, टू शो दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स के लिए, उस सुप्रीम कोर्ट वाला जो मैं लिखता हूँ उसके एक या दो नीचे इसके डालूंगा, आप उसको पढ़िए, इंग्लिश में है वैसे वो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट सुप्रीम कोर्ट। वहाँ तो इतना बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर होता सुप्रीम कोर्ट का, आई कैन काउंट नंबर ऑफ क्रूशल केसेस वेयर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर नॉट कमिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी उसमें लिखी हुई है आर्टिकल। तो आप इससे इम्प्रेस ना होइए, अगर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, अगर एक भी आदमी इसको अपोज करता है ईवीएम को, तो दे हैव टू सेटिस्फाई दैट वोटर कि आप अगर इसको अपोज कर रहे हैं तो आप अपना कारण बताइए और हम अभी इसको इमीडिएटली बंद करते हैं। तो और ये जो कांग्रेस, ये सुप्रीम कोर्ट का हो गया, ये जो कांग्रेस वाला है राहुल गांधी, ये बिल्कुल भी एक भी आप बार बार कहते जा रहे राहुल गांधी बोले राहुल गांधी, उनका दिल्ली वाले लोगों का तो देख लिया आपने, कांग्रेस वालों का, दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर नॉट सपोर्टिंग दिस कॉज। वो जो अमेरिका वाला वो भी कहीं भाग गया इनका कांग्रेसी। तो आप ये जो राहुल गांधी चक्कर लगाता जा रहा है पिकनिक के, यात्रा ये यात्रा वो यात्रा, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसको, उसके भी मैंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, आप देखिए उस पर। और दूसरा, ये चाहे चक्कर पूरी पृथ्वी का लगा ले, अगर ईवीएम है तो कांग्रेस नहीं जीत सकती, कांग्रेस या जो अलायंस बना है इनका इंडिया अलायंस, वो बिल्कुल नहीं जीत सकता। सो यू हैव टू फेस दिस रियलिटी। ये जो कैंपेनर्स हैं, जो हमारी तरह के सिटीजन्स हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, मैं उसको नहीं अंडरमाइन कर रहा, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो हैं दो चार पांच ही, और उनको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। इफ़ पीपल आर नॉट, अगर आपके साथ 1 लाख बंदा है, उनका एक वेबसाइट बनाकर उसका कम से कम नाम डालिए उसके ऊपर, कॉन्टैक्ट ना डालिए प्राइवेसी के लिए, कम से कम किसी को कॉन्फिडेंस तो हो आपका कि जो आप कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो इसको झूठ के ऊपर कोई कैंपेन नहीं, इफ़ एनी कैंपेन इज फाउंडेड ऑन फॉल्सहुड इट इज गोइंग टू फॉल, ये बिल्कुल फेल हो जाता है। तो सच के ऊपर खड़े रहिए और इसको अपोज करिए फॉर द सब्सिक्वेंट इलेक्शंस। 2024 लोकसभा इलेक्शन ईवीएम पर ही होगा, मार्क माई वर्ड्स, और उसका जो रिजल्ट होगा दैट ऑल ऑफ अस नो दैट बीजेपी सरकार दोबारा बनने जा रही है। थोड़ी बहुत ही सीटें मिलेंगी बाकियों को, तो दिखाने के लिए कि वी हैव एन ऑपोजिशन ऑल्सो इन द कंट्री। उसके बाद कई लोग कह रहे हैं वैसे 2029 में होगी नहीं इलेक्शन, मेरे को नहीं पता, बट यू शुड गेट प्रिपेयर्ड टू अपोज ईवीएम्स इन द सब्सिक्वेंट इलेक्शंस आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो उसके लिए अगर कुछ ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, यही मैं जो जब यूनिडो में काम करता था इंडस्ट्री में जाकर बताता था कि ऑर्गेनाइज कैसे होना है, ये अडॉक बिल्कुल ना कीजिए कुछ भी। तो कुछ लिंक्स इसके मैं नीचे छोड़ दूंगा, मेरे वीडियोस को ये ज़्यादा देखते नहीं हैं लोग, मेरा ये कुछ वीडियो बनाने का सिस्टम भी नहीं है मेरे पास, तो मैं तो लिखने वाला बंदा हूँ। तो आप इसके नीचे अगर पढ़ सकते हैं तो उनको लिंक्स को क्लिक करके पढ़ लीजिए, और ईवीएम से रिलेटेड वेबसाइट भी देखिए और फार्मर से रिलेटेड भी देखिए, और जो मैंने सुप्रीम कोर्ट या और कोर्ट्स के बारे में लिखता हूँ उसको भी ध्यान से पढ़िए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।